जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामने शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th CBSE का फिजिक्स और फिजिक्स में चैप्टर 8 NCERT बुक का चैप्टर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले टर्म में हम लोगों ने स्पीड पढ़ा था और स्पीड के लिए ज़रूरत था डिस्टेंस का, तो स्पीड में हम लोगों ने देखा था कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मूवेबल ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाई भी स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पीड विथ डायरेक्शन। तो जब स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है ना, तो अब हम इसको स्पीड न कह करके इसको हम वेलोसिटी कहा करते हैं। तो जब स्पीड विथ डायरेक्शन यानी व्हेन डायरेक्शन इज इंक्लूडेड इन वेला इन स्पीड, दिस टर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब इसका मतलब हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या है आप जरा ध्यान पूर्वक देखें। लेकिन इसके पहले, जैसे स्पीड से पहले हमको डिस्टेंस जानना जरूरी था, उसी तरह से वेलोसिटी से पहले हमको डिस्प्लेसमेंट जानना जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मूवेबल ऑब्जेक्ट इन सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस होता है, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। अब दूसरी चीज हम आपको बता दें, अब यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बताया कि स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या होगी? एक चीज हम आपको बता दें कि वेलोसिटी को भी हम भी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को भी हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को भी हम भी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपान होता है टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट को यस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू यस बाई टी। अब अगर यहाँ से हमको वेलोसिटी को डिफाइन करना हो तो देखें वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट अकर बाई एनी मूवेबल ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई भी इफ द डिस्प्लेसमेंट अकर बाई एनी मूवेबल ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इज यस, देन वेलोसिटी भी इज इक्वल टू यस बाई टी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इन वेलोसिटी डायरेक्शन इज इंक्लूडेड। तो जब स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड हुआ था इसीलिए ये वेलोसिटी हो गया। तो आप हमेशा माइंड में रखे रहेंगे कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट यस इज डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल एंड इट इज इक्वल टू मीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, हेंस यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड और इट कैन बी रिटेन एच एम एस इनवर्स। अब आप देखें
अगर हमको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट का कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमें माइंड रखना होगा। और स्मॉल आफ्टर स्मॉल टी टाइम द वेलोसिटी ऑफ द मूवेबल ऑब्जेक्ट बिकम्स यू टू वी, देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ए वी मीन्स एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, इफ वी वांट टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मूवेबल ऑब्जेक्ट देन वी एड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी एंड इट इज डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन बाई द मूवेबल ऑब्जेक्ट। लेकिन एवरेज अगर निकालना हो तो टू से डिवाइड कर देते हैं, यू और वी दोनों को ऐड करके हम टू से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाती है। अब इसके बाद अगर हम लोग चाहें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखें ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। यू नो दैट इनिशियल इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मूवेबल ऑब्जेक्ट इज यू एंड इट बिकम आफ्टर टाइम स्मॉल टी इज वी, देन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जब फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस कर देते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी हमें मालूम हो जाता है। और रेट का मतलब इट इज डिवाइडेड बाई टी, तो वेन एनी ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाई टी देन वी कैन से दैट रेट। तो अब आप समझ लीजिए कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग इसका यूनिट देखेंगे तो ज़रा देखिए, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो वेलोसिटी होगा, एंड यू नो दैट वेलोसिटी यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, बट इन बिलो इस स्मॉल टी एंड टी इज टाइम देन यूनिट ऑफ टी इज सेकेंड, हेंस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एम एस माइनस टू। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रहा। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग देखेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशंस, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट जो इक्वेशन है वो होता है v is equal to u plus et, और सेकेंड इक्वेशन होता है s = ut + ½ at² एंड थर्ड इक्वेशन इज v² = u² + 2as। तो ये जो तीनों इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग ग्राफिकल मेथड से नेक्स्ट वीडियो यानी कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हमें उम्मीद है
कि आज आपको ये स्पीड विथ डायरेक्शन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।